बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे उम्मीद और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है और मैं जल्दी जल्दी यहाँ बना रही हूँ। आज मैंने थोड़ी अलग सी जो है ना दो चीज़ें बनाई थी, एक ये मीठे पकौड़े या गुलगुले इस तरह की मैंने ये बनाया था। इसके अंदर मैंने ना एक कप मैदा लिया और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर आधे से कम जो है ना मैंने थोड़ा सूजी डाली और यह भी मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, थोड़ा सा ऑयल डाला और सौंफ और हरी इलायची कूट के वो डाल दी मैंने ना, और उसे खोल के अच्छे से करके रख दिया उसे। तो यह है कि इधर जो है ना मैं बना रही हूँ पानी वाले पकोड़े, पकौड़ियाँ जो पानी में खट्टा पानी बनता है उसके अंदर पकौड़ियाँ बनती हैं ना डलकर, वो मैं बना रही थी। यहाँ मैंने इमली भी भिगोई हुई और एक तरफ मैंने बेसन में नमक मिर्ची हल्दी और मीठा सोडा डाल के उसे भी मैंने बेसन को भिगोकर रख दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पानी, तो यहाँ मैंने पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक ली है और एक हरी मिर्ची ली है, साथ चाट मसाला, लाल मिर्चे पिसी हुई, काला नमक और सफ़ेद ज़ीरा भून के पीसा हुआ वो लिया, और उन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया, अच्छा सा पीस लिया। और अभी ये पानी में यहाँ मैंने मिक्स कर दिया। 4 कप मैंने पानी लिया था और ये जो है ना सब डाल के 5-6 कप पानी जो है ना मैंने बना लिया, और ठंडा पानी मैंने इसमें डाला था तो बड़े मज़े का जो है ना यहाँ पर पानी तैयार हो गया पकौड़ियों का। तो अभी जो है ना ऊपर से डालूंगी थोड़े से इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना, तो वो इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखें मज़ेदार सा हमारा खट्टा और चटखारेदार पानी रेडी हो गया। इसमें भी पकौड़ियाँ बनाकर डालेंगे अपनी बेसन की। तो अभी जो है ना मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया। अभी जब तक ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम पढ़ते हैं नमाज, और असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं करूँगी चीज़ों को फ्राई। तो अभी मैंने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए, और यहाँ जो ये देखे मैंने जो चीनी डाली थी ना वो अच्छे से मिक्स हो गई इसके अंदर। तो अभी पहले हम बनाएंगे ये मीठे गुलगुले, बड़े मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतने मज़े के बने थे और चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के जो है ना ये लगेंगे अगर हम चाय के साथ इसे रखते हैं और खाएं। इतने क्रिस्पी बने थे, अंदर से सॉफ्ट थे और ऊपर से क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने निकाल लिए हैं गुलगुले जो है ना बनाकर, और अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं, बाद में ये जो है ना क्रिस्पी हो जाते हैं जब ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद। तो बताएं जी आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आज 21वां रोज़ा था और जो है बहुत अच्छे हमारे रोज़े जो हैं जा रहे हैं। अब कुछ थोड़े ही रोज़े रह गए हैं और तीसरा अशरा हमारा शुरू हो गया है, तो अल्लाह पाक हमारी बातों को जो है ना कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। और यहाँ जो है ना अभी मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, तो ये भी हम जो है ना पानी में डाल देंगे। और यहाँ पर ये देखें फाइनल लुक कितने मज़े की, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये बनी थी, और खट्टा पानी जो है ना बना था, मज़ेदार था, तो बड़ी अच्छी जो है ना ये मिट्ठू जो है ना बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो यहाँ पर ये देखें कितने मज़े के जो है ना ये बने थे, बहुत अच्छे बने थे, मज़ेदार बने थे। तो ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और यहाँ जो है ना हफ्तारी हमारी हो गई थी और अभी मैं आई हूँ मार्केट, तो यहाँ पर जो है ना मुझे मरियम की शॉपिंग करनी थी, मरियम के लिए ईद के ड्रेस लेने थे, और यहाँ मैं देख रही थी ये लॉन्ग फ्रॉक मरियम के लिए, मैक्सी टाइप की जो होती हैं ये इस तरह की ना, तो इसका बहुत शौक आ रहा था मरियम को। तो यहाँ जो है ना मैं मरियम के ड्रेस देख रही हूँ ईद के। और बताएं आप सबकी शॉपिंग हो गई चल रही है। हम लोगों की तो अनकम्प्लीट शॉपिंग हुई भी, अभी कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया, अभी बस चल ही रही है आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग है, तो ये तो जो है ना चलती रहेगी एंड तक। तो चले मैंने कहा मरियम के ड्रेस लेने आई हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मरियम का एक ड्रेस मैंने ले लिया, और मरियम जो है ना बड़ी हैप्पी है, उनकी पसंद का ड्रेस लिया है उनकी मर्ज़ी से।
तो अभी चलते हैं दूसरी शॉप पर और वहाँ भी देखते हैं। तो दो ड्रेस मुझे मरियम के लेने थे। और अंदर जो मेन मार्केट है हमारी, जो खिसकपुरा है, यहाँ पर इस तरफ जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है। इतना ज़्यादा रश है मार्केटों के अंदर, इतना ज़्यादा रश है कि भाई मैं तो शॉपिंग नहीं कर सकती। मैं जो है ना, फिर ये हैदराबाद रोड पे हमारी अच्छी बड़ी बड़ी जो है शॉप्स हैं, आराम से वहाँ से आप शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं तो वहीं से करती हूँ। और हमारे अभी घर पर, और मरियम बड़ी हैप्पी है अपने कपड़े लेकर। तो चलिए जी, यहीं तक का था मेरा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।